नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट पे सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, इलीगल एक्शन को बट्टा बॉल भी बोलते हैं और थ्रो बॉल भी बोलते हैं, जर्क बॉल भी बोलते हैं, चकिंग भी बोलते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों को डाउट है कि चकिंग बॉल एक्चुअली है कैसा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि हमारा अपने साथ वालों से झगड़ा होता रहता है इस बारे में कि चकिंग बॉलिंग के ऊपर, यानी जो हाथ बैंड होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, कई लोग ये बोलते हैं कि रिस्ट, जो हम रिस्ट का यूज करते हैं, रिस्ट का यूज क्या इलीगल डिलीवरी है, चकिंग बॉलिंग है। दोस्तों, रिस्ट का यूज जो भी है वो कोई भी इलीगल डिलीवरी नहीं है। रिस्ट का यूज अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत कम बॉलर हैं जो रिस्ट का यूज कर रहे हैं। जैसे आपने बांग्लादेश का मुस्तफिजुर रहमान को देखा होगा, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे करके डाल देते हैं, ऐसे बैक ऑफ द हैंड और ऐसे कटर और लेग कटर बहुत बढ़िया यूज करते हैं। इलीगल जो बॉलिंग एक्शन है वो सिर्फ यहाँ के ऊपर डिपेंड है। ये भी अगर आपका 15 डिग्री से ज्यादा, यानी जब आप बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग करते समय 15 डिग्री से ज्यादा अगर आपका बैंड हो रहा है, वो भी जब कंधे में पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचते समय ज्यादा हो रहा है, 15 डिग्री तक आपको मान्य है। लेकिन ये क्या, गांव घरों में कोई इस चीज पर गौर नहीं करता, थोड़ा सा भी बैंड हुआ तो एकदम से बोल देते हैं 15 डिग्री से ज्यादा। यानी 15 डिग्री कितना होता है, लगभग इस हिसाब से 15 डिग्री होता, तो इससे अगर ज्यादा हो रहा है तब आपका ये इलीगल डिलीवरी जो है, जिसको चकिंग बॉल और बट्टा बॉल कई चीजें बोलते हैं, तब माना जाता है। रिस्ट का इसमें कोई मतलब नहीं, रिस्ट तो बहुत बढ़िया, अगर आप रिस्ट बॉलिंग करते हैं और अच्छी लेंथ में और थोड़ा सा हल्का सा पेस के साथ करते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आगे चलकर आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। रिस्ट का कोई रोल नहीं, आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए। क्लियर में बता देता हूँ, अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा आपका एल्बो बैंड होता है तब जाके ये बॉलिंग एक्शन नहीं माना जाता, उसको नो बॉल दिया जाता है। अगर पहले तो कोशिश करो कि एल्बो बैंड थोड़ा भी ना हो, अगर प्योर बॉलिंग हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिर भी आपका हल्का सा होता है 15 डिग्री तक मान्य है, इंटरनेशनल में भी मान्य है, 15 से ज्यादा मान्य नहीं है, वो नो बॉल डिलीवरी मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल में नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपको जिसको डाउट है उनके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।